आप सादर आमंत्रित हैं, आइए विराजमान होइए। मुनि संघ के समस्त रक्षक देवी देवताओं, आचार्य भवन के समस्त देवी देवताओं, इस तीर्थ के समस्त रक्षक देवी देवताओं, धर्म की वृद्धि के लिए, सम्यक की प्राप्ति के लिए आप सभी आमंत्रित हैं, आइए धर्म लाभ लीजिए। तीन भुवन में सार, बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोगी संहार के, नमः त्रियोगी संहार के। आज एक प्रश्न खड़ा हुआ है, तो राजस्थान सरकार ने कुछ कहा है, मैं वो बात आपके पास रखूं। पत्रकार का प्रश्न मेरे सामने आ रहा है। आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, हाँ जी, छह ढाला में मंगलाचरण की चर्चा प्रारंभ हुई, मंगलाचरण की चर्चा हुई, इसी प्रकार से जीवन को मंगल बनाने के लिए। हाँ सुनिए, आचार्य जी नमस्कार, आपका प्रश्न मेरे सामने है। जी जी जी, और मैं सुन रहा हूँ उसको। मैं ये कह रहा था आपसे आचार्य जी के राजस्थान जो सरकार, राजस्थान हाई कोर्ट है, उन्होंने संथारा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, जैन समाज, जैन संतों के संथारा पर। जी, तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि इसमें आपका क्या मत है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, ये सही किया हाई कोर्ट ने या गलत किया? मैं आपके सामने अपना उत्तर रख रहा हूँ, मेरे विचार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब विनोबा भावे समाधि लेने के लिए तत्पर हुए, समाधि ली उन्होंने, उसको संतारा भी कहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए गई और उनसे पूछा कि आपने जैन पद्धति से संतारा ये समाधि क्यों ली। उस समय वो प्रधानमंत्री थी, तब विनोबा जी ने बहुत अच्छी बात कही, विनोबा भावे, विनोबा भावे, हाँ, वर्धा में जिनने बनाया है, तब उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मेरी दृष्टि में जैन दर्शन महान है, मेरी दृष्टि में जैन दर्शन बहुत महान है, और जैन दर्शन में काया के त्याग की जो पद्धति है देश में, किसी भी धर्म के पास वो पद्धति नहीं है। इसलिए आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। इसलिए मैंने जैन पद्धति से यह समाधि मरण संतारा जिसे कहते हैं, मैंने ग्रहण किया है, और विनोबा भावे ने इसी जैन पद्धति से समाधि मरण ग्रहण करके अपने प्राणों का हस्ते हुए विसर्जन किया। आत्महत्या किसे कहते हैं, जब तक न्यायाधीश इस बात को नहीं समझेंगे, जो कसाय पूर्वक, द्वेष पूर्वक, अहंकार के साथ, जब तक न्यायाधीश आत्महत्या का मतलब नहीं समझेंगे, हाँ, तब तक उन्हें संतारा चीज समझ में नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि संतारा का अर्थ है कि मेरी आयु पूर्ण हो चली है, शरीर ने मेरा साथ देना छोड़ दिया है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, और अब मैं हस्तवे मौत का दर्शन करना चाहता हूँ, और वो अपनी स्वेच्छा से, जो कि सारे जो भोग के विषय हैं, चाहे वो रस हो, भोजन हो, फल हो, अन्न हो, दूध हो, धीरे धीरे क्रमशः छोड़ता चला जाता है, और मौत के दर्शन करता है मृत्यु के, कि मैं जिससे मौत आ रही है,
मैं उसे देख रहा हूँ जो मेरा नहीं है वो जा रहा है, और जो मैं शाश्वत हूँ मैं उसको समझ रहा हूँ। तो वो दिए से ज्योति को अलग कर रहा है, ना कि आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या का अर्थ है कि मैं कसाय के वशीभूत होकर के, इच्छाओं के वशीभूत होकर के, या अपमान के कारण से, या वस्तुओं के अभाव के कारण से, भरी जवानी में या स्वस्थ अवस्था में जहर खा करके, या गोली मार कर, या अन्य किसी दुर्घटना के माध्यम से, या कूद करके पानी में डुबकी लगा करके अपने आप को समाप्त करने का नाम आत्महत्या है। एक पेड़, मेरी बात सुनिएगा आप, एक पेड़, हाँ एक पेड़, हरा पेड़ अगर कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है तो वह पेड़ के साथ दुर्व्यवहार है और वह आत्महत्या कर रहा है पेड़ की। और एक पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है, वो संतारा कर रहा है, वो समाधि में है। अब क्योंकि जो आत्म तत्व है, जो इस काया का मेहमान है, वो काया का मेहमान विदाई ले रहा, तो हम आत्मा की विदाई दे रहे हैं, ना कि आत्महत्या कर रहे हैं। आत्मा की विदाई दे रहे हैं अपन। हाँ, हम आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, इसको आत्महत्या नहीं कहते हैं। तो कोर्ट ने जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि जैन दर्शन का अध्ययन नहीं होने के कारण से, और जो अनैतिक घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के कारण से दिया। मेरा निवेदन है, कोर्ट से निवेदन है और जजों से निवेदन है कि संतारा का एक बार वो पूर्ण अध्ययन करें, ध्यान करें, और देखें कि वहाँ देह का विसर्जन हो रहा है, देह को मारा नहीं जा रहा है और ना कोई हत्या की जा रही है, और वो हंसते हुए विदाई ले रहा है। और विनोबा भावे ने इसको सबसे पहले अंगीकार किया था। आज इसीलिए इंदिरा गांधी के ओठों पर ये शब्द था कि विनोबा ने बहुत अच्छे ढंग से अपने आप का विसर्जन किया और हंसते हुए विदाई ली। तो ये हंसते हुए विदाई का अवसर है। ये संतारा जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं, जीवन का और मौत का स्वागत किया गया है। ये जिनावर जी ये जैन धर्म के थे क्या? नहीं, वैष्णव धर्म के। उनने कहा था मेरी दृष्टि में खाली गीता मुख्य है, लेकिन जब से मैंने जैन दर्शन के संतारे को, समाधि मरण को देखा और सुना है, तब से जैन धर्म मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए मैं समाधि मरण कर रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है, कोर्ट से निवेदन है, जजों से निवेदन है, इसे कृपया आत्महत्या का की संज्ञा दे करके जैनत्व का अपमान ना करें और जीवन का अपमान ना करें। जज अपनी प्रज्ञा से निर्णय करें और अध्ययन करें जैनत्व का, उसके बाद में डिसीजन दें। भावुक होकर के निर्णय जैन समाज को स्वीकार नहीं है, क्योंकि आत्महत्या नहीं है, ये तो मकान में आग लगी है, तो हम मकान से जीवित आत्मा को बाहर ले जा रहे हैं। मतलब ये भावुकता में जो निर्णय लिया, हाँ, या किसी व्यक्ति के कहने पर लिया, ये निर्णय उचित नहीं है, अनुचित है। इस पे गौर करें और अदालत इस निर्णय को खारिज करे। मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। आपने मेरे सामने प्रश्न रखा, आप राजस्थान पत्रिका की ओर से ही बोल रहे हैं ना? जी, ओके।